से हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जैसे जेनेटिक मेकअप आपका एक हुआ होता है, खानदान में एक फर्द है, अगर वो नशा कर रहा है तो वो आपके बच्चों में, बच्चों से बच्चों में। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ इस वजह से भी रागे होते हैं क्योंकि उनकी वालिदैन उनकी तरफ से लापरवाह होते हैं, जो उनकी एक नेगेटिव थॉट्स होती है या एक नेगेटिव उनका या एक उनका जो मनफी एक इकदमात होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। हम नौकरी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम हमेशा उसी नशे की स्टेट में रहें जैसे हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं, और मतलब उसकी जो रवैये में एक एग्रेशन भी आ जाती है और वो अपने खानदान को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपना दुश्मन समझने लगता है। खानदान अगर आप ले लें तो जैसे लोगों को पता चलता है कि इसका बच्चा या इसकी बच्ची जो है किसी किस्म का नशा कर रही है तो लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं, कि बच्चे को जब नशा नहीं मिल रहा या बच्ची को जब नशा नहीं मिल रहा तो वो छोटी छोटी चीजें चोरी करना शुरू कर देता है। 15 डेज इनिशियल जब वो हमारे पास दाखिल हुआ है अस्पताल में तो उसकी सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग योरसेल्व्स। जैसा कि आपके इलम में है कि आजकल हम पाकिस्तान में गैर कानूनी मुंशियात के कारोबार, इस्तेमाल और अफराद, खानदान और माशरे पर इसके संगीन असरात पर मुख्तलिफ वीडियोस, लेक्चर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज हमारे दरमियान मौजूद है मिस अमारा इकबाल, जो बतौर पेशा एक माहिर नफ्सियात है। आपने पेशावर यूनिवर्सिटी से नफ्सियात यानी साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन हासिल की और उसके बाद आपने स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी में एक डिप्लोमा भी हासिल किया। आपने मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी महकमों और तंजीमों के साथ बतौर माहिर नफ्सियात खिदमात सर अंजाम दी है और आजकल आप IRC यानी इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के साथ वाबस्ता है। तो उनसे हम जानेंगे कि नशे के आदत की अफराद, खानदान और माशरे पर क्या मुज़र सेहत असरात मुरतब होते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मैंने तो आपकी इंट्रोडक्शन करा दी लेकिन काइंडली आप खुद भी बताएं हमारे नाज़रीन को अपने बारे में मुख्तसरन। बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आपने मुझे अपने इंटरव्यू में दावत दी है, और मेरा नाम अमारा इकबाल है और पेशे के लिहाज से मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और मैं डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुकी हूँ और काम कर भी रही हूँ। और आज जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा टॉपिक है नशा और नशे के आदि अफराद का इलाज, तो उसी पर आज हम बात करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैडम, सबसे पहले आप ये हमें बताएं कि एक इंसान नशे की आदत में क्यों मुब्तला हो जाता है, यानी एक फर्द या अफराद नशे की तरफ क्यों रागब होते हैं। नशे की तरफ रागब होने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है एनवायरनमेंट में डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, जैसे हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जैसे जेनेटिक मेकअप आपका एक हुआ होता है, खानदान में एक फर्द है, अगर वो नशा कर रहा है तो वो आपके बच्चों में, बच्चों से बच्चों में ट्रांसफर होता रहता है, जो एक नेचुरल चीज़ है जो आपके नेचुरल जेनेटिक्स का मेकअप होता है। इसके अलावा आपके एनवायरनमेंट है, जैसे हमारे आसपास के जो है इर्द गिर्द की हमारी एनवायरनमेंट है वहाँ से हमें ये चीज़ लग जाती है। दूसरा जो है हम अपनी खुशी के लिए या एक एंजॉयमेंट के लिए जो है उसको करते हैं। और मैं इसमें ये भी ऐड करूंगा कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ इस वजह से भी रागब होते हैं क्योंकि उनकी वालिदैन उनकी तरफ से लापरवाह होते हैं। अच्छा, जब एक इंसान नशा शुरू करता है तो उस नशे की आदत की उस पर क्या क्या नफ्सियाती असरात मुरतब होते हैं। जब एक इंसान नशा करता है तो उसके बहुत सारे जो है ज़हनी मसाइल जो है हो आ जाते हैं उसमें। जैसे सबसे पहले तो ये बात है कि उनकी सोचों में एक तब्दीली आती है, जो उनकी एक नेगेटिव थॉट्स होती है या एक नेगेटिव उनका या एक उनका जो मनफी एक इकदमात होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, जो ज़हनी सेहत की या ज़हनी मसाइल की वजह से हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे सोसाइटी की वजह से जो हमें ये चीज़ें आई होती हैं या हमारी बढ़ावा उसको मिल रहा होता है वो चीज़ें हमें आ जाती हैं, हमारे रवैये जो है वो तब्दील हो जाते हैं, हमारे अपने घर वालों के साथ उठना बैठना या बातचीत जो है वो चेंज हो जाती है। हम नौकरी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम हमेशा उसी नशे के स्टेट में रहें जैसे हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं, या सुकून वाली जो हमारा स्टेट है वो है।
और मतलब उसकी जो रवैये में एक एग्रेशन भी आ जाती है और वो अपने खानदान को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपना दुश्मन समझने लगता है। हाँ जी, वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारा बिहेवियर पैटर्न जो है, हमारे जो रवैये वो तब्दील होते हैं, और अगर मुझे नशा मिल रहा है या नहीं मिल रहा तो वो मुझे वो गुस्से की मेरी एक फीलिंग्स में निकलता है। अच्छा, ये तो हो गए नशे की आदत की फर्द या अफराद पर असरात। एक नशे की आदत में मुब्तला शख्स के खानदान पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? जैसे कि अफराद पर नशे के असरात होते हैं, उसी तरह जो है खानदान में भी नशे के असरात होते हैं। खानदान अगर आप ले लें तो जैसे लोगों को पता चलता है कि इसका बच्चा या इसकी बच्ची जो है किसी किस्म का नशा कर रही है, तो लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं कि कहीं हमारे बच्चों में ना इनकी वजह से लग जाए। लोग रिश्ता नहीं करना पसंद करते कि मतलब इनके घर में जो है नशे की जो है इस्तेमाल हो रहा है, या नशा ये फरोख्त कर रहे हैं, या नशे को जो है हमारे बच्चों को लगा देंगे। तो जिस वजह से लोगों का एक जो हमारी तरफ मनफी रवैया होता है वो आ जाता है और लोग दूर रहना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ उसके खानदान पर उसके माशी असरात भी होते हैं। माशी असरात के साथ इस वजह से वाबस्तगी होती है क्योंकि बच्चे को जब नशा नहीं मिल रहा या बच्ची को जब नशा नहीं मिल रहा तो वो छोटी छोटी चीजें चोरी करना शुरू कर देता है, या माँ बाप से पैसों की डिमांड करना शुरू कर देता है क्योंकि माँ बाप ने उसको एक टाइम पे आदत उसकी डाली होती है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने की। तो वो उसकी जो फीलिंग होती है वो सेम ही होती है कि मैं जब जब पैसे मांगूंगा तो ये मुझे उसके लिए नशे के लिए देंगे। और हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि मतलब उस फर्द को कमाना चाहिए था अपने खानदान के लिए, तो वो तो कमा नहीं रहा है, उल्टा वो अपने घर से पैसे ले रहा है, और अगर पैसे उनको नहीं मिल रहे तो फिर वो मतलब लड़ाई और मार कुटाई पे उतर आता है, और अगर फिर भी उनको पैसे नहीं मिले तो वो चोरी करने से भी बाज नहीं आता जी। तो खानदान पर तो ठीक है, ये तो खानदान पर असरात हो गए, मुआशरे पर बहसियत मजमू इसके क्या असरात होते हैं? माशरे पे तो इसके बहुत गहरे असरात हैं क्योंकि हम अफराद ही मिलकर एक माशरा बनाते हैं। तो जब हम एक दूसरे के साथ उठते हैं, बैठते हैं और लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि मैं इन लोगों को जो है इजीली नशे से इन्फ्लुएंस कर सकूंगा या नशे की तरफ रागिब कर सकूंगा, तो आप उन लोगों के साथ मिलना जुलना स्टार्ट कर देते हैं कि ये जैसे मैं नशा करूँ तो ये मेरे साथ मिलकर वैसे नशा करना शुरू कर दें। ठीक ठीक, और मुआशरे में मतलब ये कि मुख्तलिफ जो मुआशरती बुराइयाँ हैं वो भी परवान चढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा मतलब ये कि ये एक वबाई सूरत भी अख्तियार कर सकती है, यानी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द, दूसरे फ़र्द से तीसरे फ़र्द, और इसी तरह पूरा मुआशरा नशे की लानत में गिरफ्तार हो सकता है जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं जी। अच्छा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने हाल ही में नशे के आदि अफराद की बहाली के लिए बहुत मौसर इकदाम उठाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 11 बहाली के मराकज हुकूमती सतह पर कायम किए गए हैं। इसके अलावा जो निजी शुबा है वो भी नशे के आदि अफराद की बहाली में एक मौसर किरदार अदा कर रही है, और मुख्तलिफ तंजीमें हैं जैसा कि केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, द हक आवाज, अल खिदमत फाउंडेशन, और इसी तरह और भी बहुत से हैं। तो जब एक नशे की आदि फर्द को बहाली मरकज में मुंतकिल किया जाता है तो उनकी बहाली का अमल किस तरह सर अंजाम पाता है, इसके बारे में नाज़रीन को मुख्तसरन बताएं। जी, जब आपके पास या हमारे पास ऐसा केस आ जाता है तो बेसिकली जो इसका एक ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो है 3 से 6 महीने का दरमियान में हम करते हैं। तो 3 से 6 महीने के दरमियान में हम क्लाइंट के साथ या पेशेंट के साथ मिलकर ही उसके गोल्स बनाते हैं कि आपकी हमने ट्रीटमेंट किस तरह करनी है, उसको सबसे पहले बताया जाता है। और 15 डेज इनिशियल जब वो हमारे पास दाखिल हुआ है अस्पताल में तो उसकी सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है, उसके जिस्म में से वो जो उसमें नशे की वजह से सैंपल डिवेलप हुए होते हैं या आए होते हैं खून में, उनको पहले डिटॉक्सिफाई किया जाता है, उनको उनके जिस्म से निकाला जाता है। उसका जब हमने एक ट्रीटमेंट प्लान बना लिया, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन भी हो गई है, उसकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी हमने कर ली है, फिर आता है जब हमने उसकी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन करनी है। अब 2 तरह से इलाज होते हैं, एक है साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट और एक है साइकोलॉजिकल असिस्टेंस। तो जब हम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन करते हैं तो हम ज्यादातर माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ग्रुप काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, इन चीजों की तरफ जाते हैं। और जब हम साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अद्वयात या मेडिसिन के थ्रू उसका इलाज किया जाता है, पर बहुत से कम केसेस में जो है हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, ज्यादातर हम काउंसलिंग और साइकोथेरेपी पे फोकस्ड होते हैं। अच्छा, जब एक नशे के आदि फर्द के बहाली का अमल मुकम्मल हो जाता है और वो वापस अपने घर चला जाता है
तो अक्सर हम देखते हैं कि वो दोबारा नशे की लानत में गिरफ्तार हो जाता है, तो इसके बारे में जरा बताएं कि वो फिर दोबारा क्यों नशे की तरफ राग़िब होता है। सबसे पहले तो ये है कि नशे की तरफ वो दोबारा राग़िब इसलिए होता है क्योंकि जो उसने टाइम पीरियड अपना गुजारा होता है इलाज के बाद, तो वो एनवायरनमेंट उसकी फर्क होती है और उसके बाद जहां वो वापस जा रहा होता है वो एनवायरनमेंट उसकी वही होती है जिससे वो निकल के आया होता है। तो हमारा उसमें ये है कि जब हम थेरेपी करते हैं या हम उसको डिटॉक्सिफिकेशन और सारे रिहैबिलिटेशन हो रही है तो रिलैप्स के पीरियड में जो है हम उसको चेक करते हैं कि आया वो उन मुकामात पे तो वापस नहीं जा रहा या उन जगह पे तो मौजूद नहीं है दोबारा। तो रिलैप्स के केसेस इस वजह से आते हैं क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट में तो वैसे ही जा रहा है, नशा तो वहां पे वैसे ही हो रहा है, तो जिस वजह से जो है वो रिलैप्स कर जाते हैं। क्योंकि जब दोस्त यारों को जाके मिलता है तो वहां पे नशा चल रहा होता है, वो उसको दोबारा से ऑफर करते हैं तो वो उसको ले लेता है इजीली। यानी मतलब जो इनफॉर्मल स्टेटिस्टिक्स है आदाद शुमार है तो उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 95% जो पेशेंट्स है या ड्रग एडिक्ट्स है वो दोबारा नशे की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी रिलैप्स की रेशियो 95% है। तो आप क्या सजेस्ट करती है कि जब मतलब रिहैबिलिटेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है तो वालिदैन को फैमिली को क्या करना चाहिए कि वो दोबारा नशे की तरफ ना आए? सबसे पहले बात तो ये है कि जब उसका नशे का दुरानिया चल रहा होता है तो पेरेंट्स को बार बार जाके अपने बच्चों के साथ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो जो एक नशे की उसकी ट्रीटमेंट वाला टाइम पीरियड होता है उसको लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है या मेरे साथ जो है मुझे यहाँ पर बंद कर दिया गया है तो मेरे साथ ये मेरे वालिदैन या मेरी फैमिली जो है वो बुरा कर रही है। तो उसमें वो जो जिद वाला फैक्टर होता है ना कि अब मैं निकल के इससे ज्यादा करूंगा, तो वो भी उसमें चीज आ जाती है कि मतलब अपने पेरेंट्स को तंग करने के लिए वो दोबारा रिलैप्स खुद से कर जाता है। लेकिन मोस्टली 70% केसेस में इस तरह होता है कि वो एनवायरनमेंट की वजह से रिलैप्स कर जाता है। लेकिन रिलैप्स को हम ओवरकम ऐसे कर सकते हैं कि जो भी बहाली जिस भी मराकज से वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो एक ड्यूरेशन तक उनका चेक एंड बैलेंस रख सकता है कि वो इंडिविजुअल दोबारा उसी जगह पे मौजूद तो नहीं है जहां से उसको उठाया गया था या जहां से उसको लाया गया था। और इसमें आपके पेरेंट्स, आपकी बीवी, आपके बच्चे भी आपका रोल प्ले कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। तो ये तो हो गई मिस अमारा इकबाल से ड्रग एडिक्शन के बारे में बहुत ही मुफीद गुफ्तगु। मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर नशे के आदि फर्द का इलाज होता है, उनके बहाली का अमल मुकम्मल होता है और वो वापस अपने मुआशरे में या अपने घर में अपने फैमिली में चला जाता है तो फिर उन पर चेक रखनी चाहिए और उनके लिए ऐसी सरगर्मियाँ या एक्टिविटीज क्रिएट करनी चाहिए जिसकी वजह से वो दोबारा आसानी के साथ नशे की तरफ राग़िब ना हो। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैडम हमारा इकबाल के साथ हम जेंडर बेस्ड वायलेंस पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।